मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। आज शिवरात्रि भी है तो सबसे पहले आपको शिवलिंग ही दिखाया जाए यहाँ पे। क्या बात है, क्या व्यू है सामने, देखो चूड़दार दिख रहा है वो सामने। ओ ओ ओ, गलत। और नहान यहाँ से 60 किलोमीटर है, देख सकते हो आप 60। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो गलत ही है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू अनदर व्लॉग, और आप देख रहे हो हाइपर काइनेटिक व्लॉग्स। और अभी मेरे साथ भाई जुड़ चुके हैं, हम जा रहे थे, मैं जा रहा हूँ नहान, एक भाई जा रहा है कुरुक्षेत्र, अलग अलग जगह जा रहे हैं। मतलब अभी तो हम सोलन तक है, साथ ही है सारे। तो सुरेश भाई की बाइक देख सकते हो आप 79, साथ में भाई है एक 16 नंबर, सिरमौर से है, और एक रोडू से है हमारे साथ भाई। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं आगे की ओर, और वेदर आज काफ़ी अच्छा है। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज मेरा भी व्रत है, और मैं जा रहा हूँ नहान। नहान मीन्स मतलब अपने घर वालों के पास जा रहा हूँ, क्योंकि घर वाले वहीं पे आए। बाकी चलते हैं आगे को और राइड को एंजॉय करते। होप सो मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही हो। कंडा घाट पहुँच चुका हूँ मैं यार, तेल आगे ही भराऊँगा। अभी है इसमें अप्रॉक्स, कल मैंने भराया था इसमें 300-400 का तेल भराया था, तो अभी है इसमें मतलब फुल से एक डब्बा कम है। माइलेज मुझे तो ठीक दे रही है यार, 200। बंदे बोलते कि 200 माइलेज नहीं देती भाई, शिमला जैसी जगह में भी मेरे को माइलेज दे रही है। वेट यार, वाइजर क्लोज कर लेता हूँ मैं। तो ये है हमारे सुरेश भैया। क्या बात होगी, सारे रुक गए हैं। खट्टा खाने का मन कर रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा भाई, गड़बड़ तो है भाई। सो ये भाई है अपने रोडू से, इनसे फर्स्ट टाइम मिले और अच्छा लगा भाई से मिलके। गाइस निकल तो गए हैं हम, अब देखते हैं। अब थोड़ा सा ना एनर्जेटिक सा फील हो रहा है, जैसे बंदे हमारे साथ है ना यार। भाई की बाइक कितनी बेरहम लग रही है इनकी बाइक यार। स्पीड का तो पता ही नहीं लग रहा इधर यार, रोड बहुत प्यारी है। और नहान के लिए तो मैं अकेला ही होऊंगा, तो आपको वो भाई साहब। सो मोड़ों पे ना मेरे को काफी ज्यादा डर सा लगता है, यू नो। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई देखा आपने, सीन हो गया गाइस। बजा दिया गाइस। ओ भाई साहब, रोड वाले नहीं मानते भाई साहब। यहाँ पे सोलन में बंदे जा रहे हैं अपने जटोली टेम्पल, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सोलन, और इसमें बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो पाइप वाली तो वो पाइप ना बैंडों के बीच में फंस गई थी। तो इन्होंने क्या किया, वो पाइप को मतलब काफ़ी लंबी पाइप थी, और उस पाइप को कट कर दिया थोड़ा, मतलब पूरी बाहर निकाल के फिर उसको कट करके फिर उसको यहीं पे फिट कर दिया। पानी पूरा ड्रेन हो रहा है, अदरवाइज़ वो पता कहाँ यहाँ जम जाता था, समझ रहे हो, टैंकी पे। सो एक बात तो है यार, KTM वाले यहाँ पे सोलन वाले ना सर्विसिंग वगैरह अच्छी है इनकी। सो दोस्तों ये है मेरे सामने सोलन में, जो सोलन कुमारहट्टी कनेक्ट करने वाली जो टनल है वो मेरे सामने, और राइट हैंड साइड देख सकते हो आप सोलन है। और बूम बूम चिक चिक बूम बूम, यू नो स्पीड कैम तो नहीं होंगे अंदर यार। तो जय हो, चलो भाई।
भाई साहब नहीं हो रही, आंसू निकल गए बट भगाई नहीं की यार। करेंगे कभी और ट्राई करेंगे इन फ्यूचर। वो दोस्तों ये देखो नाहन लिखा है ना, नाहन दक्षाई, दक्षाई पता नहीं क्या नाहन, ये ऊपर वाला गया चंडीगढ़ को और ये नीचे देख रहे हो कुमारहट्टी, हमने इसी में जाना है। सो चलते रहेंगे हम तो। ऊपर वाला गया आपका फ्लाईओवर के थ्रू नीचे, कनेक्ट तो एक ही जगह पे होगा बट ये जाएगा आपका नाहन को, ही जिस पे मैं जा रहा हूँ ये नाहन है। सो ये पहुँच गए हम भाई कुमारहट्टी और यहाँ से सीधा गया आपका चंडीगढ़ और ऊपर को गया राइट हैंड साइड शिमला और ये लेफ्ट को छोटा सा रास्ता कटा, ये कटा नाहन को और यहाँ से आगे सुनसान ही रोड है भाई। और अब मेरे को गर्मी सी भी फील हो रही है यहाँ से आगे। सो अब यहाँ से देखो आप नज़ारे क्या मज़े मज़े, मतलब खाली खाली सुनसान सुनसान रोड है भाई, खाली रोड बोलते जिसको। नहाने यहाँ से 75 किलोमीटर, ओह माय गॉड, स्कूटी वाले भैया आराम से चलो, 75 लिखा था अभी इधर 72 हो गया, ये क्या सीन है। नूनी, अच्छा नोनी, अच्छा मैं कहा नूनी हॉर्टिकल्चर क्या है यूनिवर्सिटी। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं पता नहीं कहां, नैना टिक्कर एंड पता नहीं नैना टिक्कर से थोड़ा पीछे हूं मैं। और इस समय यहां पे देख सकते हो आप कितना सही तालाब जैसा है, दिख रहा है आपको क्या प्यारा तालाब है। और नहान यहां से 60 किलोमीटर्स है, देख सकते हो आप 60। ओ भाई ये तो गलत ही है, ओ ओ ओ भाई गलत मुंह पे आ गया था मेरे, शिट भाई शिट। सो इसीलिए बोल रहा था मैं आज की भाई यहाँ पे बंदे बड़े गलत चले होंगे, इस वजह से हमें थोड़ा चलना पड़ेगा देखभाल करके, अपनी भी अपना भी और दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ेगा भाई इसमें। तो मैं पहुंच गया हूँ भाई नैना टिक्कर और यहाँ पे हम पियेंगे अब चाय। ओए चिड़िया, मैं बताता हूँ कहाँ पे बढ़िया बनती है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चाय वाली भैया। सो लेट्स गो, यहाँ पे बनती है चाय। सो अभी चाय तो पी चुका हूँ मैं और आई एम फीलिंग एनर्जेटिक यू नो। 55 किलोमीटर्स नाहन और चले हुए हैं भाई, बस पुलिस ना मिले, पुलिस नो पुलिस। यहाँ से भाई सीनरी क्या आ रही है यार, वेट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। भाई साहब क्या व्यू है सामने, देखो चूड़धार दिख रहा है वो सामने और वो उधर शिमला से भी दिखता है, उस साइड को है शिमला के, इसका मतलब भाई क्या व्यू आ रहा है यार, कैम खतरनाक। सो गाइस यहाँ से भी बहुत प्यारा लोकेशन, मतलब व्यू हर कुछ क्रेजी आता है यहाँ से यार, मैंने कई बार ही नोटिस करी ये चीज़। वो देखो सामने चूड़धार कितना प्यारा लग रहा है भाई, ओ भाई साहब क्या व्यू है। और यहाँ पे कितने सारे राइडर्स रुके हुए हैं, उधर बर्नआउट चला हुआ है, वाह वेरी गुड, टायर फूंक दो बट जो यहाँ से आपको वही नज़ारा दिखेगा ना बहुत औसम है। यस ये देखो ये नज़ारा बोल रहा था मैं यहाँ से, क्या प्यारा दिखता है। सो चलते हैं यहाँ से आगे यार क्योंकि लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, क्या बात है। इस पेट्रोल के दो डब्बे हो गए कम, दो तो नहीं एक हुआ है कम, भरा लिया जाए, गूगल पे होगा यहाँ पे पूछ ही लेते हैं, गूगल पे हो जाएगा कार्ड, रुक जाओ कार्ड देखता हूँ। सो दोस्तों मैं अभी रुका था यहाँ पे यार, क्या मंदिर है ये यार, ऑसम व्यू, ऑसम व्यू भी आ रहा है साथ में शांति भी मिल रही है, हाथ में काफ़ी ज़्यादा ना पेन आ गई है यार,
मतलब बाइक राइडिंग की इतनी आदत नहीं है। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, आज शिवरात्रि भी है तो सबसे पहले आपको शिवलिंग ही दिखाया जाए। यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा शिवलिंग है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे है माता जी का मंदिर, ये देखो शेरावाली माता। तो यहाँ पे है भाई मंदिर और शांति पीसफुल, मतलब यहीं पे है, मतलब शांत एरिया है काफ़ी ज़्यादा ना। और यहाँ मैंने बाइक लगाई हुई है और इधर पीछे मंदिर है बैक साइड में। और अभी मैं जा रहा हूँ नहान को, कंटिन्यू करते वीडियो को, एंडिंग आगे करेंगे इसकी। बट यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा और थोड़ा सा सुकून मिल रहा है यार, शांति है, शांति समझ रहे हो, शांत एरिया है। तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे और आगे मिलता हूँ मैं आपको वीडियो में। सो ये मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे देख सकते हो आप, मतलब ये मेरे सामने, ये नहान है छोटा सा, छोटा सा और प्यारा सा। सो मैं पहुंच चुका हूं दो सड़का, यहां से आपका रेणुका माता के मंदिर को भी जाता है, जो एक लेफ्ट में जाएगा ना वो है आपका रेणुका माता मंदिर वाला रोड है जो। सो आप जाके एंजॉय कर सकते हो वहां भी। ये है भाई वो जगह, ये लेफ्ट वाला गया मंदिर को और नीचे गया नहान और पौंटा। तो यहाँ से नीचे हम चलते हैं आराम से, न्यूट्रल डाल दिया है मैंने बढ़िया करके, अब आराम आराम से मध्यम मध्यम पहुँच ही जाएंगे हम। वेलकम टू नहान टाउन। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं नहान टाउन, छोटे मोटे टाउन नहीं, बड़े टाउन। तो यहाँ पे है ब्रोजा फैक्ट्री, और ब्रोजा फैक्ट्री से यहाँ नाके भी लगते हैं गाइस, ये देखो स्टॉप फॉर चेकिंग, ये फैक्ट्री यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर स्मेल सी ना, ये पता नहीं नहान की बदबू पता नहीं अलग सी है भाई, यहाँ आके ना अलग ही खुशबू आती है, खुशबू बोल सकते हो या स्मेल बोल सकते हो। ये चीज़ देखो कितनी प्यारी है ना यहाँ पे, ये सेफ्टी के लिए है, ये मैंने पहली बार ही देखे यार। तो चलते हैं यार, मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। होप सो आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने की अगर बन पाया, बट मेरे को लग नहीं रहा कि बन पाएगा, आज का शिवरात्रि का भी यहाँ पे कुछ ख़तरनाक रहता है। कोशिश करेंगे, अगर मैंने नहीं डाला तो मेरा जो फ्रेंड है देवांश, उसके चैनल का लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो मेरी जगह वो डाल देगा, एक ही बात है, दोनों है, एक जैसे हैं। तो जाओ और उधर भी सब्सक्राइब कर दो और इधर भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।